हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियन फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे मंथ में और नेक्स्ट आने वाले वीक में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स क्या होने वाले हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगा रखा है। कल के दिन ये कैंडल क्लोज हो जाएगा और नया कैंडल लेके स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 तारीख से। तो यहाँ पे देखेंगे कल अगर यहाँ पे ये ओपन होता है और इन्हीं लेवल्स को ये फॉलो करता है तो इसके बीच में हम लोगों को कहीं पे क्लोजिंग मिलने वाला है। 650 से लेके 590 के बीच में हम लोगों को कहीं क्लोजिंग मिलेगा। लेकिन इस क्लोजिंग में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से ये ऊपर तो गया है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश करके ब्रेक भी किया और ये नीचे की ओर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हम लोग को दे रहा है। तो इस केस में दो चीज़ें पॉसिबल है। एक तो ऊपर की ओर ये है, ठीक है, मतलब यहाँ से इतना बाइंग होने के बाद यहाँ पे अपने आप को ये रोक के रखा है, बायर्स यहाँ पे अपने आप को संभाल के रखे हैं तो ये रुका हुआ है, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सेकेंड हमारे पास क्या पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा और ये 550 तक आ सकता है। सेकेंड प्रॉबिलिटी ये है, लेकिन सेकेंड प्रॉबिलिटी में ये हमारे पास चांस है, अगर ये 550 टच करता है तो हो सकता है यहाँ पे टेल बना के ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग हम लोग को कहीं पे ऊपर की ओर दे दे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ से 50% आया नीचे और यहाँ से फिर से पुल बैक दे रहा है, तो ये एक चैनल पैटर्न का काम करेगा आप सभी को, हम सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है और इस तरीके से फ्यूचर में ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे शेयर में यहाँ पे बाइनेस है, बुलिशनेस है, लेकिन ये बुलिशनेस लगभग लगभग लगता है अगर जिस तरीके से क्लोजिंग मिल रहा है इसका लो ब्रेक करेगा तो 550 का क्लोजिंग टच करने के बाद हो सकता है यहाँ पे क्लोजिंग कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर हम लोग को नेक्स्ट मंथ में मिल जाए। तो अगर ऐसा मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर यहीं से ऊपर की ओर जाता है और जब भी ये 650 का लेवल यहाँ पे निकालेगा आने वाले समय में तो सीधे 700 के आसपास ये जाके रुकने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से मोमेंटम हम लोग को दिख रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में किस तरीके से करता है। अभी यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम सभी को पता है ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई थी। अगर ब्रेक डाउन हुआ है और अगर ये स्ट्रांग ब्रेक डाउन होता तो आपको पता है ये शेयर अभी तक यहाँ पे रुका नहीं होता, अभी ये कब का नीचे की ओर निकल गया होता। लेकिन चूंकि वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल्स का लो यहाँ पे 2-3 कैंडल्स का लो एक पास में है और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये पूरा इंतजार कर चुका है, बायर्स यहाँ पे कोशिश कर चुके हैं ऊपर ले जाने की, अगर ये ऊपर नहीं चाहता और नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो जैसा कि हमने 550 वाला लेवल देखा, अभी 550 का लेवल एक बार ये रिटेस्ट कर सकता है और ये 50% हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये वाला जो लेवल है 550 का यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल सकता है। और यहाँ पे अगर ये इन कैंडल्स के हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस रेंज में इस चैनल को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो सीधे 675 एंड हमारा ऊपर का टारगेट 700 अचीव होता हुआ हम लोग को दिखेगा। चूंकि ये बीच में है इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे 3 कैंडल बन गया उसके बाद हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बन सकता है, ठीक है। 2 हॉल्ट कैंडल बनने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं पिछली बार का प्रेशर जो है सेलिंग प्रेशर था, हॉल्ट कैंडल बना है, बायर्स ने ट्राई कर लिया नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहना मंथली टाइम फ्रेम पे जी हाँ आसान था क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ था, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन जाएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा क्योंकि टेक्निकल्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, टेक्निकल ऐसे ही काम करते हैं। ये ऊपर वाला बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स, अगर ये बॉक्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की ओर जाएगा और ये नया बॉक्स बनाने की कोशिश करेगा एंड उस स्ट्रक्चर में एक बड़ा बड़ा बॉक्स बन जाएगा जिसमें ऊपर गया नीचे गया और ये इस तरीके से ये बड़ा बॉक्स बना सकता है। बॉक्स मतलब एक जोन, ठीक है, एक रेंज। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बोलेंगे अगेन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था पिछले कुछ दिनों से, ये वाले मोमेंटम के बाद फिर से ये इन एक ही 2 कैंडल के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेड कर रहा है। हर कैंडल में वीक है, हर कैंडल में टेल है जो बता रहे हैं यहाँ पे बायर से इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो सकती है जो कि 605 के बाद एक तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है और 620 के आसपास जाके रुक सकता है। तो यहाँ पे 10-15 रुपए का बाइनेस हम लोग को कल के दिन अगर ये 605 ब्रेक करता है तो देखने को मिलेगा, लेकिन 594 के आसपास की क्लोजिंग है तो ऑलरेडी ये 10 रुपीज मूव कर चुका होगा, तो उस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे आप बात करने के लिए बोलिए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर टारगेट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इन कैंडल्स के लो को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे 584 का ब्रेक डाउन होता है तो नीचे वाले लेवल्स दिखेंगे एंड ऊपर के लिए लगभग लगभग कम से कम हम लोग यहाँ पे अगर 598, ठीक है, 598 का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी क्या है,
अगर यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग हुआ तो बहुत सिंपल हो जाएगा हम लोग के लिए, लेकिन अगर गैप ओपन हो गया 602 के आसपास तो क्या, 602 क्या है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो 602 के आसपास ओपन हुआ तो यहीं से सेलिंग प्रेशर मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा फिर, क्योंकि ये जो एक सब ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल्स अगर ब्रेक हो गया ऊपर की ओर, गैप डाउन ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो इन लेवल से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ पे 4-5 कैंडल बनाने के बाद ब्रेक डाउन दे देता तो फिर ये तेजी से निकल जाएगा नीचे की ओर, अदरवाइज यहीं पे सपोर्ट ले लेगा और ये क्लोजिंग प्राइस आज का एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है 583 के आसपास तो ये ऊपर जाके इन लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर गिर सकता है, तो ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न कल के दिन बन सकता है। अभी हम लोग अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो के ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे 589.8 को ब्रेक डाउन देता है तो पहला टारगेट हम लोग को जो देखने को मिल सकता है वो लगभग लगभग 587 का देखने को मिल सकता है, सेकंड टारगेट 583 का देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 583 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे नीचे वाले 550 का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर की बात करेंगे तो 598.3 का ब्रेकआउट होते ही ऊपर की ओर निकल सकता है, 606 का पहला टारगेट, 600.6 का पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 602.7 का दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।